ए तू क्या देख रही है आंख फाड़ फाड़ के, काम कर ले काम। धूप होने लग रही है, हाथ भी ऐसे चलावे जैसे हाथों का मेहंदी लग रही हो। इसकी माँ ने कुछ सिखाया ना? अरे मैं तो कितना ये काम कर लूं, पर थारी तो चिक चिक करण की आदत है, तू देख ना सकती। मैंने सारे गुस्से उठा दिए। हाँ गुस्से तो तन्ने कहीं नहीं पार उठा दिए। कदी थम न ठायो तो मैं भी उठा देती। ए मेरी ना पूछे, मैंने तो बड़े बड़े उठा दिए। अरे तन्ने बड़े बड़े उठा दिए तो छोटे छोटे को तो मैं भी ना छोड़ दूं। मका नाश हो जाएगा नू तो नाश हो जाएगा। उधार दे तो मुसीबत है और ना उधार दे तो मुसीबत है। के बात होगी लाला जी, कहाँ भाग के जागा तड़की तड़क। और के बताऊं चौधरी ने, और के बताऊं, मरे मरे बालक तुमने दादा बना रहे के दादा। अरे आज नहीं तो कल हमें तो इस गांव में तो भाजना ही पड़ जाएगा। ऐसी के बात होगी लाला जी, कुछ हमें भी तो बताओ, क्यों पसीने छोड़ रहा? पसीने? और पसीने था तेरे सपूत ने छुड़वा रखे, तेरे सपूत ने छुड़वा रखे। और ये नुई करू गया तो एक दिन तो मारे तो प्राण ही छूट जाएंगे। बस क्यों प्राण छोड़ दिया तड़की तड़क लाला जी, बात बता के हुई? और बात बताऊं के हुई, दस बर मंडल माचिस ले गया, दस बर मंडल माचिस ले गया। एक दिन टोल का टोल बालकों का 2 किलो मूंगफली ले गया। और आज 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 की बताऊं, ईव तड़की तड़क बोनी भी ना हुई थी, रेवड़ी का डिब्बा ठा के ले गया। और हमारे नौकर ने रोक क्या तो मुंह पे थप्पड़ मार गया। तो पैसे तो दे गया होगा? पैसे कैसे पैसे? पैसे तो पैसे, इसने तो हमारे हाथ पर थुक्या भी को ना। और जब पैसे मांगू तो झोटे की डाल माई डबू को लिखा हुआ मर खड़े झोटे की डाल। फूफा जी तेल वाला आ रहा है मंडी पे, दुकान पे चलो। और तू भी आली, तेरा भी पा घर में नहीं टिकता, इसे तो बता दू इसके पूत की करतूत। जी बता जाऊंगा दुकान पे। तुम दुकान पे चलो ना, मैं बता दूंगी। ठीक है तू बता दी से सारी बात। अच्छा धरण देख बता के जा रहा, मैं रोक लिया अपने शेर को, और नहीं तो रिपोर्ट कर दूंगा। मैनू कहेंगे लाला जी ने रिपोर्ट कर दी, गांव की बात है। और मका मैनू कह रहा है गांव की बात है। कहाँ डूब का मारू, हम तो छोड़ के नानो न खा लिए। अरे ऐसी कोई बात ना है, मेरे फूफा को तो आदत है माणी माणी बातों को राई का पार बढ़ा के बताने की। लाली बात थारी ना है बेटी, इसके तो और भी बहुत उलाने आ लिए, आज तो इसके बापू से ठीक करवाओ। ये तो छाट से खेल गोसे लेती जाइए, कभी यही पसर जा। यहाँ की चिंता मत करो, अपने कुनबे की चिंता करो, जाकर अपने कुनबे को समुआओ। कदी सोली ना बोलती है बुढ़िया, हर टाइम धूलिया खाई रख है। अरे सतीश, सतीश है? आज अच्छा। अरे फावड़ा का बिंटा किसके लिए आया, गिरवा के? सुल्तान के गिरवा के लाया था। कितने का? 10 रुपए का गिरा था। अरे भाई यू ना चला 10 दिन भी तो जम्मन पम्मन का गेर दिया उनने, और वे डोल सारी रह रही। डोल के चाचा काम तो घना ही पड़ा, इंगे खाड़ खांसना, इंगे खेत की पड़े वारी। असान मुझे अम्बीर के यहाँ भी जाना था। वहाँ के है? उनकी शादी की सालगिरह प्रोग्राम सा आज। तू तो चला जाइए, पर वो नाश खेत आ जाता ना मनोज, तो कितना ही काम निमटता। निमटता न्यू क्या, वो काम बढ़ता। कल वो राम फल रो रहा था, उसके बुए बुए खेत में लुंगाड़े भी टोली ले कबड्डी खेली आया, अब उसे फेर बोना पड़ेगा बेचारे को। जड़ पैदा हो रही हमारे घर में। यू भी तो छोरा है, रात दिन काम करे, और उस नालायक ने ना तो नाक में दम कर रखा, पता नहीं सुसरा किसका है। अरे मैं तो नू कह रहा था, पता नहीं ऐसी औलाद हमारा कहाँ पे। चाचा आज उसे गर्मा लो, इतना 2-4 से कान पे ना लगेंगे ना, इतना वो सुधरे ही नहीं। ठीक कह रहा तू, आज उसकी खाल तार नहीं पड़ेगी। है कहाँ हो? घर तो स्कूल के ना कगा था वो। अरे इतने तो हम भी जाने, कितना स्कूल में जाओ। मनोज नहीं आया आज भी? भाई इस लड़के का तो भगवान ही मालिक है। हाँ भाई कहाँ है थारा लीडर? बात कसम गुरु जी, जो हमें बताओ जी, हम तो सुनते स्कूल ते घर, और घर ते स्कूल जाना बस। हाँ ये स्कूल तुमने ना चला रखा, एक के क्लास के तुम 5-5 को मैं पास करो, पढ़ते पढ़ते बुड्ढे हो ले, डैडी मुझ पे थारे दौड़े आने को हो रहे।
जो सारा ब्याह जब कौन है यू काम ही तो ना हो गए तेरा गुरु जी जो यू काम हो जाए ना तो हम स्कूल की भीत तड़े को भी नहीं निकले ए चुप तेरे ससुरे कहेंगे तुम्हें पता है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू खैर उम्र के थे तो क्लास के मॉनिटर थे बात जी इन बात तो मैं कुछ नहीं धरा जी जी वो थारी उम्र का था नहीं प्रधानमंत्री बन गया था वो देश का हमें हमें बता रहा जवाहरलाल प्रधानमंत्री कब बना बैठे चुपचाप अजी देखना जी मास्टर जी को नौकरी जी मेरे काम मिल जाए जी सही जब बैठ जाते आने दो साथ हम ठीक करेंगे उसे गुरुजी तभी तो ठीक ना करते और तुम ठीक करते तो यह बात ही ना होती और ना तो हमें बताओ रह दे बैठ जा कदी तू ही ठीक हो जा बैठो दोनों बिना मतलब आपस में झगड़ते हो ये बताओ मनोज कहाँ है जाता बस सतीश नहीं आया धन्यवाद कर दी भाई जो टाइम है तेरा आने का तुझे पता नहीं केक भी निकट आए बिलो अरे के बताऊं यार एक तो मोटरसाइकिल में पिंचर हो गया और ऊपर से ही तेरी भाभी सारी दुनिया का सिंगार हो जाओ पर इसका सिंगार नहीं बनता अच्छा अपनी ना बताते एक मने वार करवाई जी नई साबुन लाई थी घिसा घिसा का अब भी कर दी जीप तो यू कहते से बनवा लू सेंट लगा लू वहाँ सोनी सोनी छोरी आऊंगी मैं भी तो बन ठंग लू ना ना जीजी गलत कह रही हो ऐसे ना है हमारे देवर ये तो बहुत सीधे साधे हैं ये सीधे हैं इनकी करतूत बता दी ना तुम देखती रह जाओगी तो भाभी कह दे मन ने सारी रात सतावे से
यारो थारी भाभी रातो सोले फिल्म बनावे है। सोले फिल्म बनावे भाभी सोले फिल्म बनावे है। हिमा मालिनी बनके या धर्मेंद्र मने बतावे है। हिमा मालिनी बनके या धर्मेंद्र मने बतावे है। दिल कह तो भी शर्मावे से यारो थारी भाभी रातो सोले फिल्म बनावे है। हिमा मालिनी बनके या धर्मेंद्र मने बतावे है। बेबे तेरा देवर मने सारी रात सतावे से पीके दूध ऊद लग जायो हंगा घना दिखावे से। चाल गुलाबी करके थारी भाभी सोवन चाले है। होठ रचा के साही लगा के तन में घीसा घाले है। चाल गुलाबी करके थारी भाभी सोवन चाले है। होठ रचा के साही लगा के तन में घीसा घाले है। तन में घीसा घाले है। केड़े बरगा हल्ले गोरा गात रात में गावे। केड़े बरगा हल्ले गोरा गात रात में गावे। बेबे तेरा देवर मने सारी रात सतावे से पीके दूध ऊद लग जायो हंगा घना दिखावे से। यारो थारी भाभी रातो सोले फिल्म बनावे है। हिमा मालिनी बनके या धर्मेंद्र मने बतावे है।